लंबी बैठक के बाद नागरिकता संशोधन बिल को कैबिनेट की मंजूरी। नागरिकता संशोधन बिल संसद में लाने की तैयारी, बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को संसद में मौजूद रहने को कहा। अजहरुद्दीन ओवैसी बोले, उनकी पार्टी भी करेगी नागरिकता संशोधन बिल का विरोध। सीपीएम नेता सीताराम येचुरी ने नागरिकता बिल को बताया असंवैधानिक। प्रस्तावित नागरिकता संशोधन बिल के खिलाफ गुवाहाटी में प्रदर्शनकारियों ने फूंका पुतला। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, एनएक्स मीडिया केस में मिली जमानत। 106 दिन बाद मिली चिदम्बरम को जमानत, सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले को पलटा। जमानत के बाद चिदम्बरम को कोर्ट से कई हिदायत, केस पर मीडिया से बात करने की इजाजत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख के बॉन्ड के साथ दी जमानत, कोर्ट की इजाजत के बिना विदेश यात्रा पर भी रोक। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले माना कि आर्थिक अपराध काफी गंभीर। कांग्रेस ने चिदम्बरम की बेल को बताया सत्य की जीत, बेटे का चिदम्बरम ने कहा 106 दिन बाद राहत। बीजेपी सांसद राकेश सिन्हा ने कहा, बेल मिलने से खत्म नहीं होते आरोप। प्रभात झा बोले, बेल से नहीं छुपेगी कालिक। बीजेपी नेता संबित पात्रा का ट्वीट, कांग्रेस के आउट ऑन बेल क्लब में चिदम्बरम भी शामिल। अनुच्छेद 370 हटने के 4 महीने बाद कश्मीर में हिंसा पर बड़ा खुलासा, आज तक के कैमरे में कैद हुए सुपारी किलर। कई हिंसक तत्व पैसे के बदले आगजनी, पथराव, लोगों को भड़काने के लिए तैयार, 1 महीने के प्रदर्शन के लिए 1 से 2 करोड़ रुपए की मांग। हैदराबाद कांड के आरोपियों की आज कोर्ट में पेशी, पुलिस को मिल सकती है आरोपी की रिमांड। आरोपियों की पेशी के वक्त पुलिस को हंगामे की आशंका, प्रशासन ने मीडिया से आरोपियों का पीछा न करने को कहा। हैदराबाद रेप पर घिरने के बाद तेलंगाना के सीएम केसीआर ने दिल्ली में शादी समारोह से किया किनारा, वापस हैदराबाद लौटे। हैदराबाद के दिशा को इंसाफ दिलाने के लिए दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल का अनशन जारी, राजघाट पर डाला डेरा। हैदराबाद की घटना पर देश भर में प्रदर्शन जारी, दिल्ली के सीलमपुर इलाके में लोगों ने मशाल और कैंडल मार्च निकाला।